जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक लाइव वीडियो मैं बना रहा हूँ किस प्रकार से जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो फूलों का रस जो होती हैं वो चूसती हैं और उनको सक करती हैं और उनको एक जगह इकट्ठा करती हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये नेक्स्ट फ्लावर पर चली गई है और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं ये फूलों का जो रस है वो लेना चाह रही है और इससे संबंधित जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। किस तरीके से जो है ये फूलों को से सक करती हैं और आप ये देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं ये एंथर्स पर बैठा हुआ है ये मधुमक्खी है, ये अब इसके पेटल्स पर बैठ गया और इसको इसके जूस को सक कर रहा है। ठीक है, और ये जो होते हैं एक तरीके से जो मधुमक्खियाँ होती हैं कितनी इम्पोर्टेंस रखती हैं पोलिनेशन प्रोसेसेस के लिए। इसके बॉडी पर जो होगा येलो कलर के जो ये एंथर लोब्स हैं उसमें येलो कलर के जो आपके पोलन ग्रेन्स जो दिख रहे हैं वो पोलन ग्रेन्स इसके बॉडी पर चिपक जाएगा और वो अल्टीमेटली जो होगा आपका एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट कर देगा पोलन ग्रेन को, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से ये अपने अपेंडिजेस का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस रखती हैं, कितना मेहनत लगता है इन सबको बनाने में। ठीक है, देख सकते हैं किस तरीके से ये अपने अपेंडिजेस का उपयोग करके जो है पेटल से जूस को सक कर रहा है।